nida 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 pa pa da ma ma ba ga ga re ga ma ga pa ma ga re हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी आफरी। जिन्हें आप सुन रहे हैं ये एक नए उभरते हुए कलाकार हैं, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि ये पहले 4 जून 2014 को एक ऐसे ही प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन उस समय की इनकी गायकी और अभी की इनकी गायकी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी हाँ, इंडियन आइडल 2019 के मंच पे सनी जी ने जिस अंदाज में अपनी गायकी पेश की है, जजों में और पूरी दुनिया में ये मैसेज वायरल हो रहा है कि नुसरत फतेह अली खान साहब का पुनर्जन्म हो चुका है और फिर से वही आवाज़ इनके माध्यम से आपको सुनने को मिलेगी। जी हाँ, तो आइए देखते हैं सनी जी का एक बेस्ट नगमा जिसे सुनकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनिए इनकी गायकी की एक नायाब झलक। की हर निगाह पल के बीत खेलता हुआ लहरा के पी गया, लहरों से खेलता लहरा के पी गया। लेकिन जज का जजमेंट क्या हुआ वो सर, आप मेरी बात सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने गाने का रट्टा बड़ा अच्छा मारा है, बहुत तगड़ा। इसमें दो प्रॉब्लम है, एक गाना रटना, ये टैलेंट नहीं होता। एक बताइए, आज सनी को पूरी दुनिया चाहने लगी। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनी जी ने पहला गाना जब जज के सामने गाया था तो उस समय जज ने भी यही बोला कि आपने गाने को रटा है, आप नेक्स्ट गाना कैसे गाएंगे। तो जवाब में सनी जी ने बोला, बताइए मुझे क्या करना होगा। तब जज ने उनका इम्तिहान लेने के लिए उनसे अगला गाना गवाया, जिसके बाद उन्हें डायरेक्ट थिएटर राउंड में एंट्री मिली। जी सनी जी बचपन से ही जब वो जूते की पॉलिश करते थे, या यूं कहें कि जब से इन्होंने होश संभाला था, तभी से ये नुसरत फतेह अली खान साहब के भक्त थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नहीं पता होगी दोस्तों, सनी जी ने कभी भी किसी महंगे जूते को हाथ तक नहीं लगाया है। हाँ, सिर्फ पॉलिश करते समय ही उन्होंने छुआ है, और वो पैदल ही लंबी मीलों तक अपनी यात्रा किया करते थे। उनकी माँ दूसरों के यहाँ चावल मांग कर बना कर उनको खिलाती थी। पिताजी तो उनके थे नहीं, सिर्फ एक छोटी बहन थी, और ये कह सकते हैं कि शायद इसी मजबूरी इसी लाचारी ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज पूरी दुनिया इंडियन आइडल 2019 के मंच पर उन्हें जिस रूप में देख रही है, वो बड़े से बड़े सिंगर के लिए भी एक गौरव का विषय है, क्योंकि बड़े से बड़ा सिंगर भी इतनी काबिलियत तय नहीं कर सकता जितना सनी जी ने बिना किसी स्कूल में गए बिना म्यूज़िक के ज्ञान के अर्जित किया है। आप भी देखिए उनका एक बेहतरीन नगमा। तो आइए चलते हैं इंडियन आइडल 2019 के मंच पर, जहां आप सनी जी की अगली परफॉर्मेंस को देख पाएंगे, और हमसे जुड़े रहिए। दोस्तों, सनी जी की माँ की आंखों में उस समय आंसू आ गए जिस